डॉक्टर धूप सिंह गुलिया, मैं वेटनरी सर्जन दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर रहा और मैं अब 73 साल का हो गया हूँ। मुझे ये 14 जनवरी 2022 को मैं हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल में गया गुड़गांव के अंदर, तो मुझे पता लगा कि मेरा भाई प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे इसमें रिटेंशन ऑफ यूरिन था, कभी मेरा ड्रॉप से आता था, कभी कभी रुक के आता था, कभी कभी पेन भी होता था और कभी कभी जो है ना वो फ्लो ही नहीं करता था। तो फिर इसका पता लगा कि भाई मेरी प्रोस्टेट ग्लैंड बुझी हुई है, तो उसके लिए मैंने बहुत हॉस्पिटलों में बहुत डॉक्टरों से कंसल्ट किया। मेरे क्लास फेलो डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया मेडिकल कॉलेज रोहतक, मैंने उससे आपस में हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि डॉक्टर विजय अग्रवाल इन आकाश हॉस्पिटल वो इनके स्टूडेंट रहे हैं डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया के, तो मैं यहाँ आया, मैंने इनसे अप्रोच की, मैंने बहुत ही अच्छा लगा, मेरा ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है और पहले ही मीटिंग में मैं इतना इम्प्रेसिव हुआ कि मैं इन्हीं से ऑपरेशन कराना है, क्योंकि मुझे ये भी था कि भाई 73 साल की उम्र में क्या होगा, लेकिन मैं जैसे हंसता हुआ आया था और हंसता हुआ ही जा गया हॉस्पिटल से, ट्रीटमेंट करा के ऑपरेशन करा के आज मेरा बिल्कुल बढ़िया कंट्रोल है और मैं बढ़िया ही इसके लिए औरों को भी बताऊंगा, औरों को भी इनिशिएट करूंगा कि भाई आकाश हॉस्पिटल के अंदर स्वच्छता भी है और टेक केयर भी है और स्टाफ भी पूरा नॉलेज के साथ है। मैं इस हॉस्पिटल का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विकास अग्रवाल, आई एम डायरेक्टर इन द हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी यूरोन्कोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट एट आकाश हेल्थ केयर। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि आदमी में होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस कैंसर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। लगभग 60 से 70 साल की उम्र में ये कैंसर सबसे कॉमन होता है और इस कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं कि जो कि नॉर्मली प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से होते हैं, बट एक PSA एक ऐसा टेस्ट होता है जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि ये कैंसर हो सकता है कि नहीं। फिर हम अन्य टेस्ट करते हैं जैसे कि बायोप्सी या MRI प्रोस्टेट के लिए पेट स्कैन, जिससे हमें कन्फर्म हो जाता है। तो मिस्टर धूप सिंह का हमने अभी जो ऑपरेशन किया वो एक चैलेंजिंग ऑपरेशन था और ये हमने लैप्रोस्कोपिक के माध्यम से किया है, जिसकी वजह से उनको रिकवरी बहुत फास्ट हुई है। और जो कॉमन प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी, जिसे हम लैप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी बोलते हैं, उसके बाद मरीजों को यूरिन रुकना मुश्किल हो जाता है और वो भी कुछ समय के लिए। तो अगर हम टाइम रहते हुए पहले से पेशेंट को कीगल एक्सरसाइज सिखाएं और अच्छा ऑपरेशन हो और पेशेंट काफ़ी मोटिवेटेड हो, जैसे कि हमारे ये डॉक्टर धूप सिंह है, तो उससे काफ़ी पेशेंट्स हमारे बहुत जल्दी कंटिनेंट हो जाते हैं और वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।